अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सर शाहरुख एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। वेलकम टू दी ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ रियल स्कॉलर स्कूल सिस्टम। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 8। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 3 टॉपिक्स अलोंग विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टुडे। अपनी बुक्स आप लोग ओपन कर लें और वहाँ से स्टेटमेंट देखते जाएं, और यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन समझाता जाऊँगा, लेकिन आपने करना खुद है। मतलब यहाँ से देखना नहीं है, सीखना है बस, और ख़ुद से ज़बानी सॉल्व करना है जस्ट बुक से क्वेश्चन देख के, ठीक है। और इंतहाई इजी है। आज हम पहले 5 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। जस्ट आपको क्या याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए और डाटा आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर से या स्टेटमेंट के अंदर से, ठीक है। जो वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है उसके अंदर से जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है वो असल जो है आपका काम है, सबसे मेन चीज़ जो आपको आनी चाहिए। और फिर दूसरा स्टेप है फार्मूला, और तीसरा स्टेप है आपकी मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो आप सॉल्व करते हैं वो आपका कितना एफिशिएंट है, ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं मेन जो आपने दिमाग में रखनी है और जो 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। इन 3 चीज़ों पर फोकस करें, आपके न्यूमेरिकल्स हमेशा आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। 3.1 कहते हैं, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। फोर्स आपको गिवन है, ठीक है, फोर्स आपको दी गई है 20 न्यूटन। स्टूडेंट्स, आपको जब भी कोई क्वांटिटी का पता ना चल रहा हो कि ये किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप उसका यूनिट देख के अंदाज़ा लगा लिया करें, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको क्वांटिटीज़ के यूनिट्स ही नहीं आते तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, फिर आप चीटिंग की तरफ ही जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो 20 न्यूटन क्या है, इसका मतलब न्यूटन यूनिट आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स होगी। लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि ये फोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे आपको इतना इशू नहीं आता। तो 20 न्यूटन आपके पास क्या है जी, फोर्स। अब क्या करती है 20 न्यूटन फोर्स, एक बॉडी को मूव करवा रही है कितनी एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है। अब आपको अगर नहीं पता कि ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पर वर्ड गिवन ही ना होता, तो आपको यहाँ से यूनिट देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। तो एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे हैं फाइंड इट्स मास, तो आपने उसका मास निकालना है, ठीक है। मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब कैसे निकालेंगे, आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ याद है, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी आपने ऐसे फार्मूला माइंड में कोई लाना है कि जिसमें फोर्स भी आती हो, मास भी आती हो, एक्सेलरेशन भी आती हो। कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें मास, एक्सेलरेशन और फोर्स तीनों चीज़ें आती हैं, क्योंकि उसमें से देखें आपको 2 पता हैं, तीसरी आप निकाल सकते हैं। यस, तो फार्मूला है न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, आपके पास एफ इज इक्वल टू एम ए एक फार्मूला है, जिसमें आप क्या पुट करें, आप क्या करेंगे, आपने अगर मास निकालना है तो आप एक्सेलरेशन को या बाकी जो भी चीज़ एक मास के साथ मौजूद है सबको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या, और ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो फार्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह, एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए। यहाँ पर आप पुट करें, जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करें, 20 न्यूटन फोर्स गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन गिवन है। फोर्स आपको लिखेंगे 20 न्यूटन होता है और के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपने लिखा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू। सिंपली क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 10 20, 10 kg आपके पास मास आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखें, आपको कह रहा है 3.2, वेट गिवन है बॉडी का 147 न्यूटन, यानी आपको वेट का मतलब फोर्स ही गिवन है ना, न्यूटन्स गिवन है। कह रहे हैं इसका मास कितना होगा बताएं। आप देखें, आपको वेट जब गिवन है और डायरेक्ट मास पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे घबराएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, W=mg वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, बिकॉज आपको 2 ही चीज़ें पता हैं, तीसरी नहीं पता। तो यहाँ पे आपने अपना थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करना है कि अगर वेट की बात हो रही है तो हमें पता है W=mg होता है, और m हमें गिवन होना चाहिए, जी तो हमें पता है सरफेस ऑफ अर्थ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम उसको 10 लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने लेके मैथ के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको मतलब मैथ के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको वेट मिल जाता है ना, बट यहाँ पे उल्टा है कुछ, आपको वेट गिवन है और मास
पूछा गया है, तो ग्रेविटी आप खुद से लेट करेंगे 10 m/s² खुद से ले लेंगे W इक्वल टू mg के अंदर। तो आपने फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg लिया, यहाँ पे भी मैस ही फाइंड करना है तो आपने m यहाँ रखा, उधर ग्रेविटी को वेट के नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया, तो फार्मूला बन गया कुछ ये m इज इक्वल टू W by g। अब आपको वेट की बना 147 newton, ग्रेविटी की वैल्यू 10 m/s², अगेन न्यूटन को आप लिखेंगे kg m/s² में, m/s² से कट जाएंगे, जस्ट kg बच जाएगा। 147 डिवाइड बाई 10 करें तो आपके पास 14.7 आंसर आ जाता है 14.7 आता है। यहाँ पे ये जो लिखा है ये 10 kg ये गलत लिखा है, यहाँ पे कितना आता है आपके पास 14.7 kg, ठीक है 14.7 kg इज़ दी राइट आंसर। ये कॉपी पेस्ट हुआ बेसिकली, इस वजह से गलत हो गया, इसको आप ठीक कर लेंगे अपने पास, और ये आपकी एक्टिविटी होगी ये करेक्शन करना। अच्छा नेक्स्ट अब क्या करते हैं 13.3.3 में कहते हैं हाउ मच फोर्स इज नीडेड, यानी कितनी फोर्स रिक्वायर है टू प्रिवेंट अ मैस ऑफ 10 kg, 10 kg मैस को गिरने से रोकने के लिए, 10 kg मैस फ्रॉम फॉलिंग, तो गिरने से रोकने के लिए कितना मैं जो है वो फोर्स रिक्वायर्ड है। तो बच्चों जी आपको पता है कि अगर कोई मैस है 10 kg का, ठीक है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है ना, अच्छा सॉरी कहाँ थे हम, हाँ जी W इज इक्वल टू एम जी, यानी जो वेट है उसका वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है आपके पास, तो आपने अगर उसको गिरने से रोकना है तो आपको अपवर्ड उसके वेट के इक्वल एक फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो नीचे की तरफ मूव ना करे विद W इक्वल टू एम जी फोर्स, ठीक है। तो जो ऊपर फोर्स आपको अपवर्ड लगानी पड़ेगी वो किसके बराबर होगी, उसके ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप यूँ कहेंगे कि फॉर एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग वी नीड फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, तो आप फोर्स कितनी लगाएंगे उसके वेट के बराबर, W इज इक्वल टू एम जी, एम आपको गिवन है 10 kg, एम की वैल्यू यहाँ पुट करें मैथ की जगह पे, ग्रेविटी आपको पता होती है 10 m/s², ग्रेविटी की वैल्यू पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 × 10 = 100, तो 100 newton फोर्स आपको चाहिए एक 10 kg मैथ की बॉडी को गिरने से या फॉल करने से रोकने के लिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके फोर्थ न्यूमेरिकल है, उसमें क्या कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी फाइंड करें जिस पे 100 newton फोर्स लग रही है और उसका मैथ है 50 kg, अगेन एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला यूज होगा, आपको फोर्स गिवन है, मैस गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एफ इज इक्वल टू एम ए, सीधा सीधा फार्मूला आपने लगा देना है, और इस दफा एक्सेलरेशन निकालनी है अगर, तो आप क्या करेंगे, आप फोर्स को एक्सेलरेशन निकालनी तो मैस को ला के डिवाइड करेंगे फोर्स के नीचे इस दफा, तो ये बनेगा फार्मूला, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा, फोर्स कितनी गिवन है 100 newton मीन्स 100 kg/m² और डिवाइड बाय मैस कितना 50 kg, यहाँ पे इस दफ़ा kg से कटेगा, m/s² बचेगा, तो m/s² यूनिट आ जाएगा, और 50 divided by 50 is 2, 51 is 50, 52 is 100, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 2 m/s² एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके पास है फिफ्थ न्यूमेरिकल में आपके पास क्या गिवन है, कह रहे हैं कि एक बॉडी है उसका वेट है 20 newton, उसको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है अपवर्ड मूव करवाने के लिए विद 2 m/s² एक्सेलरेशन। चलो जी ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो गया, लेकिन चले अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। कह रहे क्या हैं कि फोर्स कितनी चाहिए एक बॉडी को अपवर्ड मूव करवाने के लिए जिसका वेट कितना है 20 newton, 20 newton वेट की बॉडी को अपवर्ड मूव करवाना है 2 m/s² की एक्सेलरेशन से, तो कितनी फोर्स लगेगी, टोटल कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो अभी अभी आपने एक न्यूमेरिकल सीखा जिसमें आपको ये बताया गया था कि एक बॉडी है उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि उसके वेट के बराबर होगी, लेकिन अगर मैंने उसको गिरने से नहीं रोकना साथ ही साथ मैंने उसको ऊपर भी मूव करवाना है मज़ीद ऊपर, तो मुझे वेट के बराबर जितनी फोर्स नहीं लगानी बल्कि उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी वेट से ग्रेटर फोर्स लगाऊंगा तो पहले तो वो वेट जितनी फोर्स से गिरने से रुकेगा और मज़ीद जो ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उसकी वजह से वो ऊपर मूव करेगा विद 2 m/s² की एक्सेलरेशन। तो ये मैं कैसे निकालूंगा
ये मैं ऐसे निकालूंगा, मैं कहता हूं कि मैंने जो टोटल फोर्स रिक्वायर्ड है मुझे वो बराबर है फोर्स उसको गिरने से रोकने के लिए नीचे, प्लस वो फोर्स जो उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से ऊपर लेकर जाए। इन दोनों फोर्सेस का सम मेरे पास क्या होगा, वो टोटल फोर्स होगी जो उसको ऊपर लेकर जाएगी, एफ टी जिसको मैंने कहा है टोटल फोर्स, और जो गिरने से रोकने वाली फोर्स है वो एफ स्टॉप है, और ऊपर ले जाने के लिए जो फोर्स मजीद एक्स्ट्रा चाहिए वो एफ अप है। ठीक है, तो यहाँ पे रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो रोकने के लिए फोर्स चाहिए आपको पता है वो वेट के बराबर है, और mg के W=mg के बराबर है, वेट के इक्वल फोर्स लगेगी तो वो गिरने से रुकेगा ना। तो इस फार्मूले में मैं एफ़ स्टॉप की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, वेट W। ठीक है, मैंने एफ़ स्टॉप की जगह क्या पुट कर दिया, W पुट कर दिया, और W आपको गिवन है 20 न्यूटन। अच्छा, दूसरी जो फोर्स मुझे ऊपर ले जाने के लिए एफ, उसको अगर मैं लिखूँ F=ma, और मैथ तो बॉडी का वही है एम, और मुझे एक्सेलरेशन अपवर्ड कितनी चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मुझे गिवन है अपवर्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन पुट की, बट ये मैथ मुझे नहीं पता 2 kg, ये मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें वेट गिवन है बॉडी का, हमें बॉडी का में वेट गिवन है, हमें पता है W=mg होता है, और m=W/g हो जाएगा, वेट गिवन है 20 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने एक्सेलरेशन ले ली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 20/10 किया तो 2 आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कट गया जब न्यूटन को हमने kg m/s² लिखा, जस्ट kg आंसर में आ गया यूनिट के तौर पर। तो मैथ कितना है 2 kg W=mg से। तो अब आपने क्या करना है, जो अपवर्ड फोर्स निकालनी है ऊपर ले जाने के लिए वो कितनी होगी, F=ma होगी, और a हमें कितनी चाहिए उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि गिवन है, और मैथ हमने फाइंड कर लिया 2 kg। तो अपवर्ड फोर्स कितनी आई, 2 × 4, 4 kg m/s² मतलब 4 न्यूटन, और रोकने से कितनी चाहिए थी 20 न्यूटन वेट के बराबर। अब रोकने के लिए 20 न्यूटन एफ स्टॉप, प्लस ऊपर ले जाने के लिए मजीद 4 न्यूटन एफ अप, तो टोटल फोर्स कितनी होगी जो ऊपर ले जाने के लिए चाहिए, 24 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था 5। ये अब सारे न्यूमेरिकल्स आप देखें, समझें और अपने हाथ से सॉल्व करें, इंतहाई ईजी हैं। ये 5 के 5 न्यूमेरिकल्स आपका आज का टास्क होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में अपने बाकी के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।